गाइस, मेरा नाम है निर्मल और आप देख रहे हैं निर्मल्स बेस्ट टेक। तो आज मैं आया दोबारा से ऑफलाइन मार्केट में और आपको बताऊंगा कि 15,000 में आपको कौन कौन से गेमिंग फोन देखने को मिलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे पास, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल। और आपको आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ के मैं बता दूंगा भैया से कि आईक्यू के फ़ोन आपको देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते ऑफलाइन मार्केट में, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको कैमरा स्विच करके बता देता हूँ कि शॉप कौन सी होने वाली है, तो आप देख लेना। तो आप देख सकते हैं ये रही शॉप ओम साईंराम मोबाइल। अभी मैं इसी पे वीडियो बनाऊंगा और आपको फ़ोन्स बताऊंगा कि कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं 15,000 की रेंज में गेमिंग, जिसका प्रोसेसर ठीक होगा वो मैं फ़ोन बताऊंगा। तो बजट के हिसाब से आप देख लेना, ज़्यादा अच्छा गेमिंग तो आप नहीं कर सकते, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। अंदर चलते हैं अभी। सो गाइस, मैं शॉप के अंदर आ चुका हूँ और सबसे पहले हम शॉप के ओनर से बात कर लेते हैं भैया से। तो भैया अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और शॉप के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र चौकसे है और शॉप का नाम ओम साईंराम मोबाइल कम्युनिकेशन है और शॉप का एड्रेस है स्टेडियम कॉम्प्लेक्स मेन रोड बैरसिया, शॉप नंबर 9। तो भैया आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, आप एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए। आज हम गेमिंग फ़ोन अंडर 15,000 के जो सेगमेंट के जो मॉडल हैं उनके विषय में हम आपको बताएंगे कि कौन से मॉडल का क्या फीडबैक है, जिसमें अभी दो मॉडल अभी पॉपुलर हाईलाइट में है। एक T1 होता है जो आपका 4G फ़ोन 44 वाट चार्जर में फास्ट चार्जिंग में आया है और एक K10 है ओप्पो का। इन दोनों मॉडल की फीडबैक के बारे में हम आपको बताएंगे कि गेमिंग के लिए बेहतर फ़ोन है या नहीं है, और इसके विषय में सारे और भी मॉडल जो गेमिंग के लिए हैं उनके बारे में बताया जाएगा आज आपको। और भैया एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि आईक्यू के फ़ोन ऑफलाइन में मिलते हैं कि नहीं, और आप एक बार उनको क्लियर कर दीजिए व्यूअर्स को। हाँ, आईक्यू के जो मॉडल्स हैं सारे वैरायटी हमारी शॉप पे उपलब्ध है, और सारे मॉडल जो भी रिक्वायरमेंट मॉडल हैं वो सारे हमारे पास शॉप पर एट ए टाइम पे मिल जाएंगे। आपको कोई भी कस्टमर को आईक्यू का फ़ोन चाहिए तो हमारी शॉप पे विजिट कर सकता है, उसको एट ए टाइम फ़ोन अवेलेबल करा दिया जाएगा, ऑनलाइन प्राइस से भी कम में आपको। सो गाइस, भैया हमें फ़ोन बताने वाले हैं, तो सबसे पहले भैया के बारे में पूछ लेते हैं। तो भैया अपना पहले नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम है अभिषेक और आज जो वीडियो बन रही है वो अपने फ़ोन गेमिंग के हिसाब से, तो गेमिंग फ़ोन जो भी आ रहा है वो देखेंगे। तो गाइस भैया आपको बता देंगे गेमिंग फ़ोन्स कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। तो भैया सबसे पहले स्टार्टिंग रेंज से आप बता दीजिए फ़ोन कि कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस पहला फ़ोन भैया लेके आ रहे हैं अभी, पहला फ़ोन है C35, इसमें 4GB रैम है, 64GB इंटरनल मेमोरी, 5000 mAh बैटरी, साइज फिंगर है। तो गाइस जो पहला फ़ोन है वो है रियलमी का C35 है, 464 वाला वेरिएंट है ये, और इसके कुछ मेन फीचर इसके बॉक्स पे हैं। यहाँ प्रोसेसर नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिसॉक का T616 इसमें प्रोसेसर आता है, तो ये C25 बाय के थोड़े से ऊपर आप कह सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ी बहुत बजट के हिसाब से गेमिंग कर सकते हैं, जिस बजट में ये आता है तो इस बजट में ये सबसे सही रह सकता है आपके लिए। तो पहला था ये C35। तो भैया इसका आप एक बार प्राइस बता दीजिए। 12,000 रुपये। तो गाइस ये आपको 12,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा 464 वाला वेरियंट। तो अभी सेकंड फ़ोन देख लेते हैं कि कौन सा होने वाला है। तो भाई सेकंड फ़ोन बता रहे हैं, सेकंड फ़ोन आएगा अपना Nazr 50, जो काफ़ी अच्छा है, 4GB रैम है, 64GB इंटरनल मेमोरी, 96 का प्रोसेसर है इसमें गेमिंग, 33 वाट का फास्ट चार्जर आएगा इसमें। तो भाई जो सेकंड फ़ोन है हमारा वो है रियलमी का ही Nazr जो आता है, Nazr का 50 है ये, और इसमें आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। बजट के हिसाब से आपको 464 वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, और मैं आपको प्रोसेसर बता देता हूँ इसमें कि आपको कौन सा मिलता है। वीडियो का G96 है, गेमिंग प्रोसेसर है, आप बजट के हिसाब से काफ़ी सही गेमिंग कर सकते हैं, और 128 का आपको स्मूथ डिस्प्ले मिल जाएगा, और बाकी सारे फीचर्स भी काफ़ी सही हैं इसके, तो आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपको इस बजट में फ़ोन चाहिए तो इसका हम एक बार प्राइस पूछ लेते हैं कितना होने वाला है। तो भैया बता दीजिए। 12,000 रुपये। तो गाइज आप अगर 1,000 और ऐड करते हैं तो आपको ये वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, Nazr 50 है ये। तो अभी ये था सेकंड फ़ोन, अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं नेक्स्ट फ़ोन कौन सा होने वाला है। तो भैया नेक्स्ट फ़ोन बता दीजिए। तो गाइज हम तीसरा फ़ोन देख लेते हैं, तीसरा फ़ोन कौन सा होने वाला है। तीसरा फ़ोन है अपना Redmi 10, जो नया मॉडल आया काफ़ी अच्छा चल रहा है, जिसमें 4GB रैम है, 64GB इंटरनल मेमोरी, 6000 mAh बैटरी, 50 मिनट का पिक्सल का कैमरा है, 888 का प्रोसेसर है इसमें आपका। तो गए जो अपना जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है Redmi का 10 Prime, और ये भी एक बजट में आने वाला फ़ोन है, और अभी इसके मेन फीचर्स भैया ने बता दिए आपको, एक बार और आप देख सकते हैं, तो आप पॉज करके देख लेना।
और इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो हीलियो का G88 मिलता है, ये भी काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है और आप इसमें रैम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। 98 का आपको FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और बैटरी भी काफ़ी सही है। तो ये भी अगर आपको रेडमी की तरफ से कोई बजट में फ़ोन चाहिए गेमिंग के लिए तो ये रहेगा आपके लिए सही। G88 प्रोसेसर है इसमें, तो ये है 464। इसका हम प्राइस पूछ लेते हैं भैया से, तो भैया प्राइस बता दीजिए। हाँ ये भैया अपना 12,000 फोन इसी रेंज में फोन है, गेमिंग के लिए अच्छा। तो गाइज़ ये भी आपको 13,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, रेडमी का 10 प्राइम है ये और ये 464 वाला वेरियंट था अभी। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फ़ोन से होगा आपके लिए गेमिंग के फ़ोन, तो देख लेते हैं। रियलमी का 8, जो रियलमी 8 अभी काफ़ी अच्छे चल रहा है, जिसमें 4GB रैम है, 128GB इंटरनल मेमोरी, 64MP का कैमरा होता है, G95 का प्रोसेसर होता है, 5000mAh बैटरी, 30W का फास्ट चार्जर आता है इसमें। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है वो है रियलमी 8, ये 4G वाला फ़ोन है, जो 4G वेरियंट आता है और इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा सही है। इसमें आप देख सकते हैं 64MP का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और 30W का चार्जर और G95 का प्रोसेसर है इसमें और 5000mAh की बैटरी। तो G95 भी काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है, आप गेमिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हैं इसमें, नो डाउट। तो ये था रियलमी 8, इसका भी वेरिएंट पूछ लेते हैं और प्राइस पूछ लेते हैं। तो भैया प्राइस और वेरिएंट बता दीजिए। 14,500। तो ये 4128 से 14,500 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था रियलमी 8 4G वाला। नेक्स्ट फ़ोन अपना रियलमी का 99, जिसमें 4GB रैम होती है, 64GB इंटरनल मेमोरी, 680 का प्रोसेसर है, 30W का डुअल चार्जर है, 5000mAh बैटरी, 50MP का कैमरा होता है। तो गाइस जो नेक्स्ट फ़ोन है रियलमी 8 के बाद रियलमी 9 आई है ये, और इसमें आप इसमें आपको मैं फीचर बता देता हूँ थोड़े एक बार और बैक पे आप देख लेना, ये मेंशन किए हैं 680 प्रोसेसर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर है। अगर आपको परफॉर्मेंस के साथ थोड़ी सी मल्टीटास्किंग भी करनी है तो आप बिल्कुल इसमें ईजिली कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टेबल प्रोसेसर आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। तो ये है रियलमी का 9i, काफ़ी ज़्यादा परचेज करते हैं लोग इसको इस बजट में, तो इसका हम एक बार प्राइस पूछ लेते हैं। भैया एक बार प्राइस बता दीजिए। इसका प्राइस ऑनलाइन प्राइस है 13,999, लेकिन आप शॉप से परचेज करते हो तो ये पड़ेगा आपको 13,000 रुपये। बाकी कोई भी फ़ोन जो बताऊँगा मैं ऑन प्राइस से अपने पास ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइस में कम मिलेगा। तो भाई इसका भैया ने आपको प्राइस बता दिया है और इसके बाद अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेंगे, नेक्स्ट फ़ोन कौन सा होने वाला है। दूसरा फ़ोन अपना होता है ओप्पो का K10, जिसमें 6GB रैम है, 128GB इंटरनल मेमोरी, काफ़ी अच्छा फ़ोन आया है अभी ओप्पो में भी। तो गाइस ये है ओप्पो की तरफ से, अगर आपको इस बजट में ओप्पो का परफॉर्मेंस डिवाइस चाहिए तो ये वाला आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें भी आपको 680 प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का। तो अगर आपको ओप्पो की तरफ से कोई फ़ोन चाहिए जिसमें आप हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी गेमिंग आप इसमें कर पाएंगे, लेकिन बजट के हिसाब से ओप्पो के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और भैया से इसका हम एक बार प्राइस पूछ लेते हैं कि ओप्पो K10 का प्राइस क्या होने वाला है, तो भैया एक बार वो बता दीजिए। इसका प्राइस है 15,500। तो गाइस भैया ने आपको 628 वाले का प्राइस बता दिया कि कितना आपको देखने को मिलेगा, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं, नेक्स्ट फ़ोन कौन सा होने वाला है। अपना रेडमी का नोट 11, जिसमें 4GB रैम है, 64GB इंटरनल मेमोरी, 5000mAh बैटरी है, 50MP का कैमरा है, जिसमें 33W का फास्ट चार्जर होता है, 680 का प्रोसेसर है। तो गाइस जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है रेडमी नोट 11 और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन है, इस बजट में आपको काफ़ी सही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको प्रोसेसर और फीचर्स बता देता हूँ मैं कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है ब्रांड की तरफ से, तो यहाँ पे आपको G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो आपको रियलमी 9i में सेम प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले 90Hz के साथ, तो आपको स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और प्रोसेसर भी आपको स्टेबल परफॉर्मेंस दे देगा। तो इस बजट में ठीक प्रोसेसर है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी डे टू डे लाइफ में, तो आप इसमें थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं। तो इसका एक बार प्राइस पूछ लेते हैं, तो भैया एक बार प्राइस बता दीजिए। तो गाइस आपको ये 14,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा रेडमी नोट 11, लेटेस्ट फ़ोन है, आप इसके तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, बजट में काफ़ी सही फ़ोन है। तो अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट फ़ोन है रियलमी का Nazro 50, जिसमें 4GB रैम है, 64GB इंटरनल मेमोरी, 6000mAh बैटरी, 18W का फास्ट चार्जर होता है, 50MP का कैमरा, G85 का प्रोसेसर होता है,
काफ़ी अच्छा फ़ोन है गेमिंग के हिसाब से। तो गाइस ये है नेक्स्ट फ़ोन अपना नार्जो का 50 है, ये भी बजट फ़ोन है और इसमें आप फीचर्स देख सकते हैं काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाते हैं बजट में, आपको काफ़ी सही फीचर्स ऑफर करता है ये वाला फ़ोन। G85 प्रोसेसर है, इसमें भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गेमिंग नहीं कर सकते, आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। लंबी बैटरी और 18 वाट का चार्जर, 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो ये है नार्जो 50 है और बजट में काफ़ी सही फीचर्स हैं फ़ोन के। तो इसके बाद अभी इसका प्राइस पूछ लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है, तो भी आप बता दीजिए। इसका प्राइस है 11,500। तो गए 11,500 के हिसाब से काफ़ी सही प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर आपको ये वाला फ़ोन लेना है। तो ये था नार्जो 50 है, अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं नेक्स्ट फ़ोन फ़ोन कौन सा होने वाला है। जो काफ़ी अच्छा चल रहा है जिसमें 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल मेमोरी है, G95 का प्रोसेसर है, 30 वाट का फास्ट चार्जर, 48 मेगापिक्सल कैमरा होता है जिसमें। तो गाइस जो नेक्स्ट फ़ोन है हमारा वो है नार्जो 30 और ये नार्जो 50 के पहले लॉन्च हुआ था लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, अभी तक सेल होता है ये ऑफलाइन मार्केट में और इसके फीचर्स जो है काफ़ी ज़्यादा सही है इसीलिए अभी तक ये सेल हो रहा है। G95 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो आपको रियलमी 8 में देखने को मिलता है, ये कम बजट में आता है उससे, और 30 वाट का चार्जर, 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप और 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। तो FHD+ डिस्प्ले के साथ 90Hz रिफ्रेश रेट काफ़ी सही कॉम्बिनेशन है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं, काफ़ी सही परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा ये नार्जो 30। इसका प्राइस पूछ लेते हैं एक बार वेरिएंट के साथ, तो भैया वो बता दीजिए। 13,500 रुपये में आपको ये देखने को मिल जाएगा नार्जो 30। तो अभी इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट फ़ोन कौन सा होने वाला है। तो ये सारे फ़ोन थे अभी तक, नेक्स्ट फोन है अपना जीवन का चार जी बी रैम है, 128 GB इंटरनल मेमोरी, G95 का प्रोसेसर है जिसमें आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है गेमिंग के हिसाब से। तो गाइस अगर आपको इस बजट में बेस्ट गेमिंग फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही ऑप्शन है, आपको इसमें स्नैपड्रैगन G695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 5G फ़ोन है और आपको ये काफ़ी सही गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। T1 5G है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन है और अगर आपको ऑनलाइन जाना है तो आप IQOO G6 के साथ जा सकते हैं। तो ये था T1 5G, इसका प्राइस बता दीजिए भैया एक बार। तो गाइस भैया ने इसका प्राइस भी बता दिया है और ये सारे फ़ोन थे, तो आपको ये सारे फ़ोन ऑफलाइन में ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको अगर आपको कोई फ़ोन लेना हो बिल्कुल आप आ सकते हैं। सो भैया थैंक यू सो मच कि व्यूअर्स को सारे फ़ोन्स बताए और उनके फीचर्स के बारे में बताए और प्राइसेस बताए ऑफलाइन, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया व्यूअर्स को। तो आप कुछ बोलना चाहें लास्ट में तो आप भैया? आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि जो आपने आपकी वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से व्यूअर्स को फ़ोन के विषय में बताया, गेमिंग फ़ोन का जो सेगमेंट था उसके विषय में सबको बताया, और जो दो मॉडल हमारे हॉट मॉडल थे, एक K10 ओप्पो का और वीवो का T1 4G फ़ोन जो गेमिंग के लिए स्पेशली अभी लॉन्च हुए हैं और इनका रिव्यू भी बहुत अच्छा है और फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, तो उनके विषय में हमने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच भैया, और भैया के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू भैया। तो थैंक यू सो मच भैया और थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी चैनल पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक यू सो मच। चलो भैया।